बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स। फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 8, वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे जी। तो लास्ट क्लास में इस चैप्टर की दो बड़ी टर्म्स हमने समझ ली थी, वर्क और पावर। और आज की क्लास में हमने इसका जो तीसरा टर्म होता है, तीसरी चीज़, एनर्जी, एनर्जी को शुरू करना है जी। एनर्जी देखनी है, एनर्जी क्या होता है जी। आपने छोटी क्लासेस में इसकी डेफिनेशन तो सुनी होगी कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है जी? एनर्जी आपकी कायनात में पाए जाने वाली कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि हीट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। ये कायनात में पाए जाने वाली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें काम करने की सलाहियत होती हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। ये फिजिक्स वाला वर्क है, हाँ, जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो वो वाला वर्क करने की सलाहियत होती है। ऐसी एनर्जीज क्या होती है? ऐसी चीजें होती हैं कायनात में पाए जाने वाली, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें वर्क करने की सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है। जैसे कि हीट एनर्जी, हीट जो है वो एक एनर्जी है, क्योंकि हीट अगर हम कुछ मैटर्स को देते हैं उसमें वर्क होता है। आप हीट जो है जब गाड़ियों में पेट्रोल डालते हो तो गाड़ियों में वो पेट्रोल जा के जलता है, जलने से पैदा होती है हीट। हीट इज एन एनर्जी, हीट पैदा होती है, और हीट जो है वो एक एनर्जी है। एनर्जी आपने उस ऑब्जेक्ट को दी थी, क्या होता है, वो चलने लग जाता है, उसमें वर्क हो जाता है जी। गाड़ी के अंदर वर्क शुरू हो जाता है, गाड़ी चलने लग जाती है। साउंड भी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिसाल के तौर पे ये जो हमारे बिजली के वायर होते हैं, तार होते हैं कॉपर से बने हुए, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इन बिजली के तारों को इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल सोर्स इस तार में एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी में आपको पता है मैंने भी, वर्क करने की सलाहियत होती है। तो अब क्या होगा, तार के इलेक्ट्रॉन्स को जैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, तार के इलेक्ट्रॉन्स में वर्क शुरू हो जाएगा और तार के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देंगे। इसे ही वर्क कहते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो यहाँ पर भी देख लिया आप, वर्क हो रहा है जी। इसी तरीके से आपने अक्सर साइकिल चलाई होगी जी। साइकिल में आप अपने पैरों की मदद से एनर्जी प्रोवाइड करते हो, पैरों की मदद से आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साइकिल में वर्क हो रहा होता है। ये एरो आपने देखा होगा, आपने एरो देखा है। तो अब एरो में हम पीछे खींचते हैं बो का जो, ये जो पीछे स्ट्रिंग होता है, इसको जब आप खींच लेते हो इस फॉर्म में, तो फिर उस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जैसे ही आप उस स्प्रिंग को छोड़ते हो, आपका स्प्रिंग जो है अपने अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है उसकी मदद से एरो को मूव कर देता है, एरो के अंदर वर्क पैदा हो जाता है। देखने नजर भी आ रहा है, एरो के जो खिंचा हुआ स्प्रिंग होता है उसमें उसमें एनर्जी स्टोर हुई भी, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई भी होती है उसमें। जैसे ही हम उस एनर्जी को अप्लाई करते हैं तो एनर्जी जो है उस एरो को मूव करा रहा है। तो एनर्जीज क्या है? एनर्जीज कायनात में पाई जाने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें वर्क करने की सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है वर्क करने की। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो ये उसमें वर्क पैदा करती है। वो वर्क जो है पूरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकता है, पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। एनर्जी का मैटर से इंटरेक्शन होता है जी। जरूरी नहीं है कि एनर्जी जो है वो हर मैटर में वर्क पैदा कर दे, कुछ एनर्जीज कुछ मैटर्स के अंदर वर्क जो है वो नहीं करती, वहां पर जो है वो एनर्जी अपने आप को स्टोर कर ही रखती है, वहां पर वो यूज ही नहीं होती है। बहरहाल वो मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। तो दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल हीट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी किस्म की एनर्जीज है। हीट है, साउंड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट है, दे आर द कॉमन। अब हम जरा देखते हैं जी, वर्क और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है। आपने भी देखा कि एनर्जी जो है उसकी वजह से वर्क होता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है मामला, कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी लगाते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एनर्जी दोगे तो आपकी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में फोर्स पैदा करती है, फोर्स पैदा करेगी, और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। तो अगर फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव होता है तो इसको हम वर्क कहते हैं।
तो हमने जब किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी दी तो आपके उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी ने फोर्स प्रोवाइड की और उस फोर्स की वजह से वर्क पैदा हो गया, एक बात तो ये हो गई। फिर जितनी आप एनर्जी दे रहे होते हो उतना ही वर्क, अगर कहीं पे लॉस ना हो रही हो एनर्जी, वैसे तो लॉस होती है अक्सर सिचुएशन में कि एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, अभी हम लॉस को हटाएं, तो हम जितनी एनर्जी देंगे उतना ही वर्क हो रहा होता है, ये दूसरी बात है। पहली बात क्या है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो आपकी ऑब्जेक्ट में एनर्जी जो है वो फोर्स लगाती है और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में फिर वर्क होता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूसेस वर्क। एंड द सेकेंड थिंग इज द एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, आप जितनी एनर्जी दोगे उतना काम होगा। 200 जूल एनर्जी दोगे 200 जूल वर्क होगा, 300 जूल एनर्जी दोगे 300 जूल वर्क होगा, 600 जूल एनर्जी दोगे तो 600 जूल वर्क होगा। तो जितना एनर्जी दे रहे हो आप उतनी वर्क हो रहा होता है। उसके बाद फिर ये जो वर्क होता है, जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क होता है ना, फिर वो वर्क या तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा किसी दूसरी एनर्जी की शक्ल में, या तो वो वर्क जो है ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा किसी दूसरी एनर्जी की सूरत में, या फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरी एनर्जी की सूरत में। मिसाल के तौर पे ये नीचे जरा डायग्राम देखिएगा, नीचे की डायग्राम में आप जब साइकिल चला रहे हो तो बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द साइकिल, आप अपने पैरों की मदद से साइकिल को एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी प्रोड्यूस वर्क, लिहाजा आपकी इस एनर्जी ने साइकिल के अंदर वर्क पैदा कर दिया, साइकिल चल रही है, साइकिल मूव हो रही है, वर्क आ गया, यानी हुआ क्या, एनर्जी ने वर्क पैदा किया, एनर्जी प्रोड्यूसेस वर्क। अब आप जितनी एनर्जी दे रहे हो, सपोज करो लॉस वगैरह नहीं हो रहा, तो आप जितनी एनर्जी दे रहे हो उतना ही वर्क हो रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है जी, ये जो वर्क है ये आपकी किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस एग्जाम्पल में काइनेटिक एनर्जी। तो जितना आप वर्क करते जा रहे होते हो, या तो वो वर्क जो है स्टोर हो जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर ये साइकिल रुक जाएगी तो फिर स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, या फिर वो किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एक, एक से देखा जाए तो वर्क जो है वो एनर्जी को एक शक्ल से ले रहा है, दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर रहा है। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क के दरमियान बड़ा गहरा रिलेशनशिप होता है, दोनों इक्वल होती है, दोनों का यूनिट भी सेम है, दोनों वेक्टर्स है, स्केलर्स है। तो वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है कि जब आप दोनों एक दूसरे से बन रही है, एक दूसरे को पैदा कर रही है, आप कह सकते हो आप जब ऑब्जेक्ट को एनर्जी दोगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एनर्जी वर्क पैदा करेगी, वर्क प्रोड्यूस करेगी, फिर ये जो वर्क है ये ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरी एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा, यानी एनर्जी बन जाएगी इससे। तो एनर्जी से वर्क, वर्क से एनर्जी, ठीक। तो ये वर्क और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख लें जी, तार की एग्जांपल पे देखें जरा, आपने तार के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी मैंने आपको बताया एनर्जी प्रोड्यूस वर्क, एंड वर्क इज कन्वर्टेड या स्टोर्ड इन एनर्जी, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट या स्टोर हो जाता है। तो आपने इस बिजली के तार पे जैसी इलेक्ट्रिकल सोर्स लगाई तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड हुई, अब इस एनर्जी की वजह से क्या होगा, तार के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, यानी कि एनर्जी की वजह से आपके इस वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर वर्क होना शुरू हो गया। तो एनर्जी प्रोड्यूसेस वर्क। फिर क्या होता है जी, इस वर्क की वजह से, अब ये तार आपने किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से लगाया हुआ है, किसी स्पीकर से लगाया हुआ है, तो ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड एनर्जी में। पंखे से लगाया हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये जो आपके तार के अंदर वर्क हुआ है आगे आगे ये क्या कर रहा है जी, ये कन्वर्ट हो रही है किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में। इसी तरीके से इस वाली एग्जाम्पल को देख लो आप, ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, खिंचा हुआ स्प्रिंग जो है, इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ एनर्जी स्टोर हुई भी होगी। जैसे ही आप इस स्प्रिंग की एनर्जी को यूज करते हो तो आपकी इस स्प्रिंग की एनर्जी से आपकी एरो में वर्क पैदा हो रहा है, आपका एरो मूव कर रहा है, वर्क पैदा हो गया। तो यहाँ क्या हुआ जी, एनर्जी ने वर्क प्रोड्यूस किया। अब ये जो आपका एरो मूव हो रहा है, ये जो मूव हो रहा है एरो, इसके अंदर जो वर्क हुआ वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बन के। वो काइनेटिक एनर्जी अगला टॉपिक हमने पढ़ना है। बहरहाल इस चलते हुए एरो में एनर्जी होती है, ये लगता है तो दर्द होता है क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर हुई है। तो इसका जो स्प्रिंग है, स्ट्रेच स्प्रिंग, उसमें एनर्जी थी, एनर्जी ने क्या किया, वर्क।
और फिर जब वर्क हुआ तो फिर वो वर्क जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो गया। तो ये होता है वर्क और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप। इसको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में भी पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमने क्या देखा, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कायनात में हमारे पास दुनिया में पाए जाने वाली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें एबिलिटी होती है वर्क करने की, सलाहियत होती है वर्क करने की। मिसाल के तौर पे कॉमन एनर्जीज की अगर हम बात करें तो हीट होती है, साउंड होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट इज एक बहुत ही कॉमन एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, काम करने की सलाहियत को आप एनर्जी कहते हो। जब आप ऑब्जेक्ट में एनर्जी दोगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी जो है वो वर्क पैदा करती है, वर्क शुरू हो जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये जो वर्क हुआ है, स्टार्ट हुआ जो वर्क, ये वर्क जो है ये या तो स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, या फिर ये वर्क जो है वो किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना वर्क हुआ है वो उतना ही जो है वो स्टोर हो जाएगा या उतना ही जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, अगर लॉस को हम हटा दें। ठीक, एग्जाम्पल्स भी हमने देखी। अब एनर्जी की बाकी बात करें तो हमने तो देखा कि एनर्जी से वर्क बनता है, वर्क से एनर्जी क्रिएट हो रही है, क्लास से एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है वर्क के अंदर, वर्क कन्वर्ट हो रहा है वापस एनर्जी के अंदर। तो डेट इज कह सकते हो आप क्या, एनर्जी और वर्क बराबर होता है, तो इसलिए इसकी कोई खास फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ती। हम वर्क कैलकुलेट कर लेते, हमें पता चल जाता है जी इतना जितना, मिसाल के तौर पर आपको एक गाड़ी के अंदर 200 जूल वर्क पैदा करना है तो 200 जूल एनर्जी लगानी होगी, जितना वर्क चाहिए आपको उतनी एनर्जी आपको चाहिए होती है। लिहाजा कोई हमने इसके लिए सेपरेट फॉर्मूला नहीं रखा, बस हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, इवन के दोनों के यूनिट भी सेम है, जूल, दोनों के यूनिट जो है वो जूल रखेगा। अब आते हैं जी, एक एनर्जी की फॉर्म को डिस्कस करेंगे हम, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी जैसे कि मैं आपको बताया ना, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, तो उनमें से हमने दो फॉर्म्स को इस चैप्टर में स्टडी करना होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। बाकी की जो एनर्जी है जैसे कि लाइट, साउंड, इन पर तो पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके आगे, लेकिन दो एनर्जी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको हमने यहीं पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि एक चलती हुई चीज के अंदर एक एनर्जी मौजूद होती है। जब भी एक चीज हमारी तरफ मोशन में होगी हमें उसकी एनर्जी महसूस हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बॉल अगर पड़ी हुई है, रुकी हुई है, तो आपको उसमें कोई एनर्जी महसूस नहीं होगी, लेकिन वही बॉल चलती हुई आ रही है, किसी ने किक करी है जी आपकी तरफ बढ़ रही है, तो आपको पता है जी वो आपको लगेगी तो आपको दर्द होगा। मोशन वाली बॉल में एनर्जी मौजूद है, एक पत्थर पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, कोई एनर्जी नहीं है, मूव चलता हुआ आ रहा है, वो आपको लगेगा तो आपको उसको दर्द होगा। एक गाड़ी रुकी हुई है, कोई इसके अंदर एनर्जी नहीं है, वही गाड़ी जब चलती हुई आ रही है मोशन में, अब उसमें एक एनर्जी मौजूद है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ आ रहा होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसके अंदर एक काइंड ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट, एक किस्म की एनर्जी उसके अंदर पाई जा रही है। तो इस मोशन की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक गाड़ी रुकी हुई है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, चलती हुई आ रही है ना, नाउ एन एनर्जी एग्जिस्ट इन द मूविंग कार एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके मोशन की वजह से उसमें एक एनर्जी डिवेलप हो रही होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। रीजन वही है, वर्क एनर्जी रिलेशन जो मैंने आपको बताया कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अब आपने उसमें मोशन पैदा करने के लिए आपने क्या करा, उसको एनर्जी दी, आपने क्या किया, उसको एनर्जी दी। आपने जब उसको एनर्जी दी, उसमें एनर्जी की वजह से वर्क पैदा हो गया, और वर्क की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ गया, चलने लग गया। अब जब वो चल रहा है तो ये जो वर्क है, मैंने आपको बताया ना, उसके बाद वर्क जो है दो चीजों में बात होगी, दो बार मामले होंगे, वर्क या तो स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट में या कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब तक ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, ये वर्क उसका कन्वर्ट हो जाएगा किस एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। तो एक ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए आपको एनर्जी दे, आपको वर्क चाहिए, वर्क के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो आप पहले उसको एनर्जी दोगे, एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में वर्क पैदा करेगा,
गाड़ी चलने लग गई, और जो चलने लग गई गाड़ी तो ये जो वर्क हो रहा है ये कन्वर्ट हो जाता है फिर उसकी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? चलती हुई चीजों में मोशन में ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसमें एक एनर्जी डेवलप हो रही है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमारे पर रिलेशन होता है मालूम करने का वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² मास वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोडक्ट को हाफ करते हैं, आधा करते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला है, इसको ड्राइव करना है हमें। किस तरह फॉर्मूला बनाया गया जी, 1/2 mv², इसको ड्राइव करते हैं हम। सबसे पहले इसके लिए, इसकी डेरिवेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जी एक ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया, यानी एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और अब वो चलने लग गया, मोशन में आ गया वो, ठीक है। तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई है ये कैलकुलेट करना है हमें। तो अब जाहिर बात है मैं आपको कह रहा हूँ कि जी वो रुका हुआ था और अब वो चलने लग गया, तो रुका हुआ था तो इट मीन्स कि जी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, वो तो रुका हुआ था शुरू में, तो उसकी वेलोसिटी नहीं है। और फिर जब ये चलने लग गया तो अब इसकी वेलोसिटी सपोज करो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी है। एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और अब वो एक फिक्स रफ्तार से चल रहा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी वी लेंगे हम। और अब एक्सेलरेशन इसमें जो डिस्टेंस जो है वो डी है और एक्सेलरेशन ए ले लेंगे हम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, अच्छा यूनिफॉर्म तो नहीं होगी, वैसे मैंने आपको कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, अब वो जा रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी नहीं क्योंकि उसकी इनिशियल जीरो थी, फाइनल अब उसकी वी हो गई, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी नहीं, लिहाजा इसलिए हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं। मैंने बताया बस उसकी अभी जो हमने जिस जिस हिस्से तक का डिस्टेंस डी तक का हमने जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी ले लिया, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो अपना मोशन स्टार्ट करता है जी, क्योंकि शुरू में वो रुका हुआ था तो इनिशियल जीरो और डिस्टेंस उसने तय किया डी, डी डिस्टेंस तय करने के टाइम हमने देखा उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आ रही है, लिहाजा फाइनल वी ले लिया हमने और एक्सेलरेशन जो है वो ए है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी कि इस ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस तय करने में कितना वर्क लगा। तो वर्क का फॉर्मूला, सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं जी कि इस ऑब्जेक्ट में हमने कितना वर्क जो है वो किया है अब तक। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इस साइड माई मोटरसाइकिल को देख लो आप, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। ऐसी केसेस में थीटा जीरो होता है और कॉस जीरो जो है वो वन होता है, लिहाजा वन लिखते नहीं हो तो खाली वर्क रह जाएगा आपका एफ डी, ठीक है, एफ डी रह गया जी वर्क। अब हम यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, लिहाजा ये फॉर्मूला अब हम फोर्स की जगह डाल देते हैं, तो अब वर्क हो गया जी एम इंटू ए इंटू डी मैड, ठीक है, ये अब तक वर्क का फॉर्मूला हो गया एम इंटू ए इंटू डी। अब हम इसमें एक्सेलरेशन डालेंगे, एक्सेलरेशन का थर्ड इक्वेशन से एक फॉर्मूला बनाते और वो इस फॉर्मूले में एम ए डी फॉर्मूले में मैड फॉर्मूले में डाल देंगे। थर्ड इक्वेशन लेते हैं जी, थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है 2as = vf² - vi² ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होता है जी। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं तो फाइनल हमारे पास v है और इनिशियल हमारे पास जीरो है, ये जीरो स्क्वायर बेकार है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला रिड्यूस होके हो गया 2ad = v². अब इसमें से हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है डी ये चाहिए, तो टू और एक्सेलरेशन दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं हम तो ये डिवाइड में आ जाएंगी ऐसे। तो अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बन रहा है जी, v² / 2 a। अब ये हम वो जो वर्क का फॉर्मूला हमने बनाया था ना, टू एम ए डी, डी में हमने ये डाल दिया, डी को हमने रिप्लेस कर दिया और डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया जी, v² / 2 a। अब आपको नजर आ रहा है जी ये साइडों में और नीचे ए है, तो ये दोनों ए कट जाएंगे, आपके पास बच गया जी 1/2 mv², ठीक है। ये ए जो है, ये ए और ये ए कट गया, तो ये बचा mv², ये लिख दिया हमने, और 1/2 2 डिवाइड में, तो इसलिए 1/2 हमने अलग से लिख दिया। तो वर्क क्या आ गया जी, वर्क का फॉर्मूला हमने देखा क्या बनता है, 1/2 mv², मैंने आपको बताया कि यही वर्क जो आपका बना है, जो आप वर्क कर रहे होते हो ऑब्जेक्ट के अंदर,
एक मूविंग ऑब्जेक्ट में जो वर्क हो रहा होता है, वही वर्क उसका कन्वर्ट हुआ वो होता है एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये वर्क जो इसके अंदर आपने किया, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा किस शक्ल में? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। यहाँ जितना वर्क हुआ उतनी काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो इसी को ही फिर हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² हो जाएगी। ठीक, तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी स्टडी कर ली। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और टाइप होगी, एक और फॉर्म है एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम जरा डिस्कस करेंगे। एक कंटिन्यूस टॉपिक में रहनी चाहिए, इसलिए हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।